हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम शुरू करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एपीआई बना सकते हैं नोड में, और हम उसको एपीआई जो बनाएंगे उसमें MySQL डेटाबेस से कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा ट्यूटोरियल होने वाला है इसमें मैं बेसिक्स कवर करूंगा कि कैसे मैं कोई एपीआई बनाता हूँ और उसे डेटाबेस से डेटा फेच करूंगा, डेटाबेस में डेटा अपडेट करूंगा और इंसर्ट करूंगा। सिर्फ इतना करूंगा, इसमें कोई मैं इस तरह का कि ORM कोई जैसे सिक्वलाइज ORM कोई इस तरह का यूज नहीं करूंगा, कोई फोल्डर स्ट्रक्चर मैं कोई यूज नहीं करने वाला हूँ नोड में। तो मैं इसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ। इसके बाद मैं एक सीरीज करूंगा इसमें API की नोड JS में कि उसमें फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा, वैलिडेशन हम कैसे कर सकते हैं, वैलिडेशन के लिए कौन सी हमें लाइब्रेरी यूज करनी चाहिए, और सिक्वलाइज ORM मैं उसके साथ यूज करूंगा तो, और उसमें जैसे कि कंट्रोलर अलग रखूंगा, मॉडल अलग रखूंगा, एक पूरा स्ट्रक्चर जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी में हम फॉलो करते हैं वो सब मैं करने वाला हूं। पर उससे पहले मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहता हूं कि किस तरह से हम एपीआई बनती हैं और किस तरह के से जो एपीआई के मेथड्स होते हैं इसमें गेट पुट पोस्ट ये सब वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक्सप्रेस फ्रेमवर्क जो नोड जेएस का है वो यूज करने वाला हूँ। बहुत ही फास्ट और मिनिमलिस्टिक फ्रेमवर्क है ये, एक्सप्रेस मोस्टली यूज होता है। अब इसमें एक्सप्रेस फ्रेमवर्क में ठीक है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा यूज होता है, देख रहे हैं आप। और इसके बाद डेटाबेस के लिए मैं MySQL 2 यूज करूंगा, MySQL भी आता है। ठीक है, यहाँ पे एक पैकेज यूज करने वाला हूँ। इसके बाद बॉडी पार्सर यूज करने वाला हूँ। बॉडी पार्सर क्या होता है, एक मिडिल वेयर है बॉडी पार्सर। जैसे हम API से मान लीजिए यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए बॉडी में मैं कुछ डेटा सेंड कर रहा हूँ कि ये डेटा अपडेट हो जाए डेटाबेस में या इंसर्ट हो जाए। तो इस तरह का डेटा अगर हम मुझे अपने सर्वर साइड पे चाहिए पार्सिंग डेटा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बॉडी पार्सर यूज करता हूँ। ठीक है, वो मुझे जैसन फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में, मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो मैं उसको यहाँ पे ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं बॉडी पार्सर की। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर फॉर्मेटेबल पैकेज होता है और मल्टर पैकेज होता है, मल्टर होता है फाइल अपलोड के लिए, फॉर्मेटेबल होता है कोई फॉर्म के लिए, कोई फॉर्म हम डेटा जो है पोस्ट कर रहे हैं सर्वर साइड। तो इस तरह की अगर हम कुछ और फैसिलिटीज हमें चाहिए, ठीक है, मल्टी पार्ट बॉडीज हम भेजना चाहते हैं, तो उस केस में ये वर्क नहीं करता, उसके लिए हमें ये लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। ये वर्क करता है जैसन बॉडी पार्सर, रो बॉडी पार्सर, टेक्स्ट बॉडी पार्सर, URL encrypted form data, मतलब कि जो डेटा आ रहा है वो हमें जैसन की फॉर्मेट में मिले, रो बॉडी पार्सर रो जैसे आ रहा है वैसे मिले, टेक्स्ट की फॉर्मेट। तो इस तरह से ये वर्क करता है, ये आपको समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है और यहाँ पे VS कोड में वो फोल्डर मैंने इम्पोर्ट किया हुआ है, ये CRUD। तो CRUD एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं इसमें। और देखिए डेटाबेस के लिए अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया तो सबसे पहले आपको MySQL इंस्टॉलर इंस्टॉल करना है। ठीक है, आप सीधे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके डाउनलोड हो जाएगा, लॉगिन करना पड़ता है इस साइट पे डाउनलोड करने के लिए। फिर यहाँ पे जाएंगे आप तो MySQL वर्कबेंच आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से इंस्टॉलर क्या करता है, सर्वर स्टार्ट करता है और ये वर्कबेंच क्या करता है, हमें एक इस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और DB क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का एक वर्क बेंच और एक इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, बहुत इजी हो जाता है इससे हैंडल करना। ठीक है, ये दोनों आप इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप डेटाबेस में जाएंगे और कनेक्ट टू डेटाबेस करेंगे। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होस्ट नेम आता है लोकल होस्ट है 127.0.0.1 और 3306 पोर्ट पे रन होता है यूजर नेम। अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड चेंज किया है, यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दीजिए, मेरा पासवर्ड होगा 123456 और यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे फोल्डर जो मैंने बनाया था। तो यहाँ पे चलने के पहले मैं कुछ अपने जो पैकेज हैं उनको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन प्रोजेक्ट का इनिशियलाइजेशन करता हूँ npm init से। npm init किया मैंने, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है।
एमपीए मिनट। पैकेज नेम हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो पैकेज नेम हम कुछ दे देते हैं, क्रड ही हमने दे दिया, वर्जन यही रहने देते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन में क्रड ऐप डेमो। और एंट्री पॉइंट जो हमारी एंट्री पॉइंट मेन फाइल होगी इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस ही रहने देता हूँ मैं इसको। टेस्ट कमांड को उतनी कोई रिपोजिटरी नहीं है, और कीवर्ड ऑथर टेक मेंटर दे देता हूँ, टेक मेंटर अपने यूट्यूब चैनल का नेम। तो ये देखिए, इज दिस ओके, यस ओके है। तो देखिए यहाँ पे मेरी एक फाइल क्रिएट हो गई, ये फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे नेम, डिस्क्रिप्शन, मेन फाइल, एंट्री फाइल जो है मेरी, और यहाँ पे स्क्रिप्ट, और इस तरह ऑथर लाइसेंस, ये सब हो गया। अब मैं यहाँ पे पैकेज मेरे जो जो मैंने आपको दिखाए थे, एक्सप्रेस और माई सिक्वल टू, मैं आपको दिखा देता हूँ, और बॉडी पास, ये मुझे इंस्टॉल करने पड़ेंगे, एक्सप्रेस, माई सिक्वल टू, बॉडी पास। तो इनको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। एनपीएम वन बाय वन भी कर सकते हैं हम यहाँ पे इंस्टॉल, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए एनपीएम मैं यहाँ से वन बाय वन ही कर देता हूँ, यहाँ पे उठा के वन बाय वन कर दूं, या सबको साथ में कर दूं, देखिए सब दिए हुए हैं। एनपीएम आई एक्सप्रेस, ओके वन बाय वन कर देता हूँ मैं यहाँ से, ये देखिए। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, कॉपी करता हूँ माई सिक्वल टू को, कॉपी कर लिया, ठीक है। टाइम क्यों लगा रहा है, नेट तो चल रहा है ना, नेट चल रहा है, कनेक्टेड है, हाँ। तो एक्सप्रेस हो जाएगा जैसे इंस्टॉल, फिर मैं उसके बाद माई सिक्वल टू करूंगा, फिर बॉडी पार्स टू करूंगा, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कनेक्शन फाइल बनाऊंगा, ठीक है, एक कनेक्शन फाइल। उससे क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्ट करके कि डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो गया है, और यहाँ पे देखिए नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल नया फोल्डर बन गया है, और लॉग फाइल बन गई है। लॉग फाइल ट्रैक करके रखती है सारा, कौन सा वर्जन और कौन सा हमारी डिपेंडेंसीज इसकी स्टोर हुई है। तो ये स्टोर हो गया है। यहाँ इंस्टॉल होने के बाद देखिए डिपेंडेंसीज में आ गया एक्सप्रेस 4.8.18.1 हमारा इंस्टॉल हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं, एनपीएम इंस्टॉल माई सिक्वल टू हम इंस्टॉल करते हैं। अब जाके तब तक मैं बॉडी पार्सर को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो वन बाई वन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे, एनपीएम आई इंस्टॉल एक्सप्रेस स्पेस माई सिक्वल टू स्पेस बॉडी पार्सर, इस तरह से भी। देखिए ये भी इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे आ गया माई सिक्वल टू, और अब हम चलते हैं बॉडी पार्सर पे, एनपीएम आई बॉडी पार्सर, ठीक है। और तब तक मैं यहां पर एक फाइल और बना लेता हूं, कनेक्शन डॉट जेएस, कनेक्शन डॉट, देखिए ये भी इंस्टॉल हो गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे माई सिक्वल टू, बॉडी पार्ट्स और एक्सप्रेस सारे आ गए, ठीक है। अब कनेक्शन फाइल बना लिए, सबसे पहले हम कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे कनेक्शन बनाते डीबी के साथ, कॉन्स्ट माई सिक्वल रिक्वायर, कोई भी पैकेज नोड में हम अगर इंपोर्ट करते हैं तो वो रिक्वायर से करते हैं, रिक्वायर फंक्शन हमारा यहाँ पे होता है, और इसमें हम लेंगे माई सिक्वल टू, हमने इंस्टॉल कौन सा किया पैकेज, माई सिक्वल टू, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक, माई सिक्वल टू। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, वेयर माई सिक्वल कनेक्शन, कनेक्शन बनाएंगे। तो कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे हमारा होता है क्रिएट कनेक्शन फंक्शन, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम, ये सब देना होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मैं कर लेता हूँ होस्ट नेम, होस्ट नेम तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, लोकल होस्ट हम दे सकते हैं यहाँ पे, या 127 जो मैंने आपको दिखाया था, 127.0.0.1 वो हम दे सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है यूजर, यूजर हमें यहाँ पे देना पड़ता है, तो यूजर था मेरा रूट, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक बार फिर दिखाऊंगा। पासवर्ड, पासवर्ड मुझे यहाँ पे देना है, तो मैंने बोला था मेरा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, आप जो सेट करते हैं वो होता है,
और उसके बाद डेटाबेस। डेटाबेस डेटाबेस का नेम मैंने अभी नहीं बनाया डेटाबेस, तो मैं यहाँ पे इम्प्लॉय डेटाबेस बनाऊंगा करूंगा कि इम्प्लॉय डीबी, इम्प्लॉय की मुझे सारे जो रिकॉर्ड फैच करने अपडेट करने, ठीक है। तो ये सब अब हम इम्प्लॉय डीबी यहाँ पे बना लेते हैं। वर्क बेंच में मैं गया और मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे आ रहा है ये ऑप्शन डीबी, सेम मैंने नेम दे दिया यहाँ पे इम्प्लॉय डीबी। अप्लाई कर दूंगा मैं इस पे, अप्लाई सिंपल मेरा यहाँ पे डीबी बन जाएगा, ठीक है। इम्प्लॉय डीबी मेरा बन गया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यूज इम्प्लॉय डीबी, यूज मतलब हमें ये यूज करना है, इसके अंदर इंसर्ट करनी है और ये सब इस तरह से। अब मैं इसको रन कर दूंगा तो देखिए यूज इम्प्लॉय जीरो रो अफेक्टेड, तो ये मेरा यहाँ पे रन हो गया है। लास्ट वाला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बन गया मेरा डीबी यहाँ पे, इस नाम से मैंने डीबी भी बना लिया। अब क्या करना है, माई कनेक्शन, यहाँ पे जो मैंने क्रिएट कनेक्शन की डिटेल दे दी है, यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसमें बोलते हैं कनेक्ट, कनेक्ट फंक्शन, ठीक है। इस कनेक्ट फंक्शन में एरर, अब इस कनेक्ट फंक्शन में अगर हमें एरर मिलती है तो वो डीबी से कनेक्ट नहीं हुआ है, और अगर हमें एरर नहीं मिली है तो वो डीबी से कनेक्ट हो गया है। तो इस केस में अगर हमें एरर मिलती है तो हम यहाँ पे कंसोल कर देंगे, एरर इन डीबी कनेक्शन, इस तरह से एरर इन डीबी कनेक्शन। और अगर हमें यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिख देंगे डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, डीबी से कनेक्ट हो गया है सक्सेसफुली। कुछ हम डिटेल भी दे देंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर अगर कोई एरर भी है फिर भी वो भी दिखा देगा, अनडिफाइंड और टू, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई में कुछ कर दिया, वैसे सक्सेसफुली, ओके। तो ये मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और ये मैं एरर दिखाने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एरर में आएगा क्योंकि ये तो सक्सेस का केस है, ठीक है। तो एरर तो इस केस में आएगी ना, तो एरर भी दिख जाएगी यहाँ पे मेरी, और मैं कुछ स्पेस भी यहाँ पे दे लेता हूँ इस तरह से, ये हो गया। तो अब यह अगर हमारा डीबी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्शन में हमें डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली आएगा, और यहाँ पे एरर इन डीबी कनेक्शन ये एरर शो कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इस मॉड्यूल को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू कनेक्शन, ठीक है। तो यहां पे हम ले लेते हैं वेयर कनेक्शन, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है मैंने यहां पे एक्सपोर्ट कर दी। अब इस फाइल को अब हमारी एंट्री फाइल बना लेते हैं हम। एंट्री फाइल क्या थी, हमारी जो मेन फाइल थी इंडेक्स डॉट जेएस। एंट्री फाइल में क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हमने पहले ही डिफाइन की थी ये, जब हमने एनटीएम इनिट किया था इंडेक्स डॉट जेएस, तो यहाँ पे चले गए। तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट करता हूं मैं, कॉन्स्ट कनेक्शन किस तरह से हम नोडजेएस में करते हैं, रिक्वायर कनेक्शन, ठीक है। ये यहां पे हो गई है मेरी इंपोर्ट कनेक्शन फाइल। अब मैं जाता हूं, सबसे पहले मैं कनेक्शन को पहले नोड कनेक्शन डॉट जेएस इसको रन करता हूं,
और जब मैंने यहाँ पे देखे रन किया तो यहाँ पे आ गया डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, तो डीबी जो है मेरा कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली नोड से, मैंने इसे रन किया। अगर मैं यहाँ पे डीबी की मान लीजिए चेंज कर देता हूँ, डीबी डीबी तो मेरा क्या है एम्प्लॉय डीबी है, लेकिन मैंने अभी चेंज कर दिया है कि एरर भी दिखाने के लिए, अगर कनेक्ट नहीं होगा तो क्या एरर, देखिए एरर आई कि एरर इन डीबी कनेक्शन, ठीक है, अननोन डेटाबेस एम्प्लॉय डीबी वन, दिख रहा है आपको, तो इस अननोन है कि इस तरह का कोई डीबी एग्जिस्ट नहीं करता है, एरर हमें मिल गई है। और अगर हमारा कनेक्टेड हो जाएगा सिंपल तो इस तरह, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे कनेक्शन फाइल बना ली है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन फाइल तो हमारी बन गई है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से जाएंगे, अब जो हमारा एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है नोड का, उसके थ्रू हमें एपीआई यहाँ पे बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो उसको करते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर, इंपोर्ट कर लिया सबसे पहले हमने एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेस को मैंने यहाँ पे कर लिया, और फिर मैं एक और पैकेज था मेरा कौन सा, बॉडी पार्स, बॉडी बॉडी पार्स इसको भी रिक्वायर कर लेता हूँ, रिक्वायर मतलब इंपोर्ट कर लेता हूँ बॉडी पार्सर, ये हो गया। अब यहां से हम वेयर एप एक्सप्रेस जो फंक्शन है उसको हमने स्टोर कर लिया एक एप वेरिएबल में, ठीक है, अब जो मिडिल वेयर है उसको हम एप डॉट यूज फंक्शन में यूज करेंगे। अब जो बॉडी पार्सर है, ये जो बॉडी पार्सर है इसको, ये तो मिडिल वेयर था बॉडी पार्सर, तो इसको यूज भी तो करना पड़ेगा, इस ऐप के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ये जेसन मैं क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो बॉडी से यहाँ से डेटा आएगा, जो बॉडी से डेटा आएगा वो जेसन की फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ से जो डेटा आ रहा है बॉडी से, ठीक है, ये देखिए पोस्टमैन है, पोस्टमैन आप इंस्टॉल कर लीजिए अगर नहीं है, तो इस तरह से यूजर बना मतलब यूआरएल हम यहाँ पे हिट करेंगे और बॉडी इस तरह से यहाँ से जेसन इसमें सेंड करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं, ये तो हमारा हो गया app dot use body parser, अब हमें इसे किसी भी पोर्ट पे, किसी पोर्ट पे रन भी कराना पड़ेगा, किसी पोर्ट पे हमारा होस्ट रन करता है, जैसे यहाँ पे आप 3000 देख रहे हैं, तो 3000 पे हम इसे रन करेंगे, तो उसके लिए होता है हमारा app dot listen, app dot listen, ठीक है। अब इसके अंदर हम देते हैं पोर्ट का नेम, जैसे 3000 मैंने दिया, और यहाँ पे कुछ हम मैसेज देते हैं कि एक्सप्रेस सर्वर हमारा किस, कोई भी मैसेज किसी भी तरह का हम दे सकते हैं, console.log एक्सप्रेस सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, ठीक है, इस तरह से हम दे सकते हैं। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे मिडिलवेयर भी हमने लगा लिया है और किस पोर्ट पे हमारा ये रन होना चाहिए वो भी लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस से कुछ डेटा हम गेट करना चाहेंगे, तो डेटा गेट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले टेबल बनाऊंगा, उसके अंदर यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे कुछ टेबल बनानी है मुझको, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने पहले से देखिए टेबल का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो इसको मैं और सिंपल कर लेता हूँ टेबल को, इसको आईडी एम्प्लॉय कोड हटा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल कर लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ 3 फील्ड मैंने रखे हुए यहाँ पे, आईडी नेम एंड सैलरी एम्प्लॉय के लिए, तो ये टेबल मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है, ये और यहाँ पे गया क्वेरी में एग्जीक्यूट, ओके, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे जो प्राइमरी की में एम्प्लॉय आईडी मैंने दी हुई है, ऑटो इंक्रीमेंट है ये, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है
आईडी नोट नल नहीं होगी। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होगा कि अपने से अगर हम नहीं देंगे इसको तो अपने से ये इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगली जैसे 5 है तो अगली जो हमारी एंट्री होगी डेटाबेस में तो वो 6 आएगी। अब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए एग्जीक्यूट हो गई है यहाँ पे, ठीक है, ये टेबल हमारी मिल गई है। अब यहाँ से कुछ रिकॉर्ड भी मैं इसमें डाल देता हूँ, तो रिकॉर्ड में भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सिंपल करनी पड़ेगी। अब मेरे पास सिर्फ 3 ही फील्ड हैं, तो मैं यहाँ पर आईडी लिया मैंने, इम्प्लॉय कोड को हटा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल रखते हैं, ठीक है, ये हुआ। तो 3 रिकॉर्ड में यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे उनकी आईडी उनका नेम और सैलरी। यहाँ पे जाता हूँ, एग्जीक्यूट करूंगा फिर से, देखिए तो यहाँ पे 3 रो अफेक्टेड, 3 रोज अफेक्टेड आ रहा है। अब मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, सेमीकोलन मैंने यहाँ पे यूज किया, एरर दिखा रहा था वरना। अब मैं जाके एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए टेबल बन गई है, आईडी आ गया, नेम आ गया, सैलरी आ गया, ठीक इस तरह से। अब यही डेटा मुझे फेच करना है, यही डेटा मुझे फेच करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाता हूँ ऐप, तो यहाँ पे मेथड यूज करूंगा मैं गेट, ऐप डॉट गेट, मतलब गेट जो होता है हमारा, कोई डेटा हमें फेच करना है, मतलब कोई गेट रिक्वेस्ट होती है। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड दिए हैं, गेट, पोस्ट, पुट, फेच, डिलीट। तो गेट क्या करते हैं हम, यहाँ से जो डेटा हमारा होता है, रिक्वेस्ट जो हमारी यहाँ से आती है, इस तरह से कोई भी यूआरएल हमारा आएगा, मतलब बॉडी एज ए बॉडी हमारा जो इसमें जो डेटा आ रहा है वो विजिबल होता है गेट की रिक्वेस्ट में। अगर हमें कुछ सिक्योर करना है तो वो पोस्ट में आता है, ठीक है, पुट पुट पैच इनके अंदर भी हमें डेटा सिक्योर रख सकते हैं कि डिलीट करना है या नहीं करना है, लेकिन इसमें हमारा जो गेट रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, तो सिंपल हमें डेटा फेच करना होता है, कोई ऐसी मतलब हमें वो नहीं रखना कि डेटा जो है हमारा सिक्योर रहे, कोई ऐसी चीज नहीं होती। तो मेथड्स होते हैं, तो हमारे पास गेट है, पोस्ट है, पोस्ट होगा जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे, पुट होगा जब हम डेटा अपडेट करेंगे, पैच होगा जब हम डेटा अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे पुट और पैच में डिफरेंस भी होता है कि भाई दोनों ही डेटा अपडेट करने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि आप पुट में हम ये करते हैं कि अगर हमारा डेटा, मान लीजिए हम कोई एम्प्लॉय की डिटेल अपडेट करना चाह रहे हैं लेकिन वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो क्या करेगा कि एक नई एंट्री कर देगा डेटाबेस में। और इस केस में तो पुट के केस में हम क्या होते हैं, कंप्लीट डिटेल भेजते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 50 फील्ड हैं यूजर के, तो हमें पुट में 50 फील्ड भेजने पड़ेंगे, तभी तो हमारा वो इंसर्ट कराएगा उसको, समझ रहे डीबी में, पर कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तभी इंसर्ट। लेकिन पैच क्या करता है कि हमें 50 में से 2 ही फील्ड अपडेट करने हैं, तो हम 2 ही फील्ड भेजेंगे, ये इंसर्ट नहीं करता है, ये सिर्फ अपडेट के लिए काम में आता है। अगर नहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें ये वहां से जैसन दे देगा कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता, नो रो अफेक्टेड, इस तरह से दे देगा। डिलीट पे हम डिलीट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम डिलीट कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन देखते हैं, पहले गेट से स्टार्ट करते हैं। तो गेट पे आए हम, ऐप डॉट गेट, और इसमें जो हमारा यूआरआई ले लेते हैं हम, इम्प्लॉयज ले लेते हैं, ठीक है, इम्प्लॉयज हमने ले लिया। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे एक फंक्शन, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। यहाँ पे एक फंक्शन होता है, कॉल बैक फंक्शन, जिसमें हमें रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स पैरामीटर मिलते हैं। रिक्वेस्ट जो हमारे रिक्वेस्ट से डेटा आ रहा है, और रेस्पॉन्स जो हम रेस्पॉन्स में सेंड करेंगे, इस तरह के हमारे वेरिएबल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा कनेक्शन है, देखिए इस कनेक्शन का यूज अब आएगा। इस कनेक्शन पे हम एक क्वेरी फंक्शन होता है, क्वेरी फंक्शन हम कॉल करते हैं, और यहाँ पे हम अपनी क्वेरी लिखते हैं, जैसे कि जैसे हमने वहां पे लिखी थी MySQL Workbench में employee, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम employee, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा दूसरा पैरामीटर में क्या मिलता है यहाँ पे, एरर, अगर कोई एरर है तो एरर मिलेगी, और कोई रोज यहाँ पे हमें मिलती है, रोज
जो भी हमारा डेटा फेच हो रहा है वो रोज में हमें मिल जाएगा। और हम यहाँ पे इस तरह से एल्स, अगर हमारे पास एरर, कोई एरर है तो हम कंसोल डॉट लॉग वो एरर यहाँ पे शो कर देंगे। एल्स में हम क्या शो करेंगे यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग रोज, जो रो आ रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना करते हैं और मैं सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ। नोट कनेक्शन, नोट बाय कनेक्शन। अब हम करेंगे यहाँ पे इंडेक्स, इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर। अब हमें क्या है, अगर हम नोड इंडेक्स डॉट जेएस हम बार बार अगर सर्वर अपना स्टार्ट करेंगे, टाइम टेकिंग क्यों हो रहा है। ठीक है, देखिए डीबी कनेक्टेड हो गया है, एक्सप्रेस जेएस रनिंग ऑन 300 पोर्ट। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे ब्राउजर में, और अगर यहाँ पे इम्प्लॉइज मैंने बनाया, अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ। क्वेरी कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी क्वेरी अनडिफाइंड, तो यहाँ पे एक एरर मुझे मिल रही है। कनेक्शन ओके, तो यहाँ पे मुझे ये कनेक्ट हो गया है, और यहाँ पे जो मुझे करना है ये वाला जो वेरिएबल है ये मुझे यहाँ से सेंड करना है। फिर से मैं रिस्टार्ट करता हूँ इसको, सर्वर को। ठीक है, रिस्टार्ट हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया कनेक्ट और यहाँ से भेज दिया, जबकि मुझे ये वेरिएबल भेजना था माई कनेक्शन। ठीक है, तो माई कनेक्शन यहाँ से चला गया यहाँ पे, और सेम यूज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड आ गए, जो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे वर्क बेंच में मिल रहे थे टेबल में, ये सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम फेच कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको बॉडी पे, अभी हमारा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ये देखिए रन होता जा रहा है पर कुछ रेस्पॉन्स रिटर्न, क्योंकि क्यों रन होता जा रहा है, क्योंकि हम कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं रेस्पॉन्स में। तो हम यहाँ पे देखिए सेंड फंक्शन से, रेस्पॉन्स डॉट सेंड से हम इसको ब्राउजर पे या उसकी बॉडी में सेंड कर देंगे। ये सेंड हो गया। अब मैं फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ सर्वर। अब देखिए बार बार मुझको सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ रहा है, तो इसके लिए नोड मोन एक हमारा पैकेज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए ये हो गया, आगे यहाँ पे रेस्पॉन्स आ गया। तो npm nodemon, ये npm nodemon एक पैकेज है। ये क्या करेंगे, अगर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो बार बार हमें अपना सर्वर रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा जब भी कुछ चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो इसको कंट्रोल भी nodemon, npm i nodemon कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा पैकेज डॉट जेसन में। और फिर हम क्या करेंगे, अभी जो नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर रहे हैं, अब हम नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जब भी हमारा किसी फाइल में चेंज होगा तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये हमारा सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा, उससे हमें बार बार उसको स्टॉप करके रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लेता हूँ, तब तक मैं एक दूसरी यहाँ पे देखिए इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हमारा ये तो हो गया, सारे रिकॉर्ड अगर हमने फेच करने हैं वो तो हो गया, लेकिन अगर हमने कोई एक रिकॉर्ड फेच करना है, अगर हमने क्या करना है कि कोई एक रिकॉर्ड फेच करना है, तो उसके लिए कैसे करेंगे हम, देखिए इंस्टॉल हो गया मेरा पैकेज यहाँ पे। तो अभी मैं सर्वर रिस्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। पहले तो पैकेज दिखा देता हूँ यहाँ पे, नोडमोन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब करेंगे हम नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस।
कुछ एरर आ रही है यहाँ पे नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस में, नोड मोन इज नॉट ओके, नोड मोन इज नॉट रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पे चलते हैं, नोड मून इज नॉट रिकॉग्नाइज यहाँ पे दे रखा है, तो इसको ग्लोबली हम इंस्टॉल कर लेते हैं कि ग्लोबली हमारा रन करे हाइफन जी, तो शायद इसलिए प्रॉब्लम कर सकता है ग्लोबली में, ग्लोबली कर लेते हैं। अभी इसको मिल नहीं रहा है, हमने अपने लोकल पे कर लिया तो इसको मिल नहीं रहा है, तो हम इसको ग्लोबली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार कि कहीं से भी एक्सेस हो जाए तो फिर शायद हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सही, अब भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है इसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है पता नहीं क्यों ये नहीं चल पा रहा है, तो हम नोड से ही कर लेते हैं अभी, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब ये हो गया, अब हमें क्या करना है कि एक ही एम्प्लॉय की हमें रिपोर्ट फेच करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक आईडी फेच करनी पड़ेगी, ये आईडी इस तरह से यहाँ पे आईडी मिल गई है, ठीक। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, वेयर वेयर क्लॉज के अंदर हमें यहाँ पे आईडी इक्वल टू इस तरह से देना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे फिर एक और पैरामीटर बढ़ जाएगा इस तरह से, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, ठीक। अब इसको चेक करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, देखिए सर्वर रिस्टार्ट, नोड मोन वर्क नहीं किया है, आप देखिए आपके यहाँ पे वर्क कर जाएगा, रिस्टार्ट कर लिया मैंने चेंज के बाद। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे एंट्री दे देता हूँ टू, ठीक। देखिए यहाँ पे सिर्फ टू ही मिला है, क्या मिला है टू आईडी टू, और अगर मैं टू हटा देता हूं तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है वन टू थ्री सारे आ गए, सारे अब तीनों रिकॉर्ड आ रहे हैं। और अगर मैं यहां पे थ्री लगा देता हूं तो थ्री आ गया, ठीक है थर्ड रिकॉर्ड आ गया। अब करते हैं कोई अगर मैं डिलीट करना चाहूं तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे गेट की जगह यूज कर देंगे डिलीट, ठीक है। और क्वेरी जो हमारी हो जाएगी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी, सब वैसे ही रहेगा, ठीक। अब इसको सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं फिर से, ये रीस्टार्ट हो गया। अब जाते हैं पोस्टमैन में, और पोस्टमैन में अब हम सिर्फ इसको गेट को कर देंगे डिलीट, मेथड हम चेंज कर रहे हैं, सब यूआरएल वही रहेगा। अब थर्ड जो एंट्री है वो मेरी डिलीट हो जानी चाहिए, मैंने किया सेंड, तो देखिए यहाँ पे रोज अफेक्टेड, एक रो अफेक्ट हो गया यानी कि डिलीट हो गई है। अगर मैं इसको गेट करूं थर्ड को तो मुझे एम्प्टी मिल रहा है, ये थ्री थ्री मुझे रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। अब मैं थ्री को क्या करता हूं, यहां से टू कर देता हूं, देखिए टू रिकॉर्ड आ जाएगा लेकिन थ्री नहीं आ रहा है, तो इस तरह थ्री डिलीट हो गया, ये हो गया डिलीट, ठीक। अब आती है हमारा कि अब हमें कोई इंसर्ट करना है, ठीक है तो इंसर्ट करना है, इंसर्ट के केस में हम फिर यहां से कॉपी करते हैं इसको, तो इंसर्ट अगर हमें कुछ करना है इसके अंदर तो उसके लिए मेथड यूज करते हैं पोस्ट, पोस्ट पोस्ट मेथड हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए इंसर्ट की हमें क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉईज एम्प्लॉई, और हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, नेम और सैलरी,
वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है आईडी, तो आईडी देने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज, और वैल्यूज में हम यहाँ पे देंगे क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड जो पैरामीटर है वन, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज में जो मैंने कोमा दिया है यहाँ पे वैल्यूज सेट हो जाएंगी आके। तो वैल्यूज सेट जब हमारी यहाँ पे हो जाएंगी तो यहाँ पे देखिए वो वैल्यूज भी तो लानी पड़ेंगी, यहाँ पे वो वैल्यूज लानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब हमारी जो वैल्यूज हैं हमारी रिक्वेस्ट से मिलेंगी, रिक्वेस्ट, यस रिक्वेस्ट डॉट, अब हम यहाँ पे लेंगे बॉडी, अब हम यहाँ पे परम नहीं लेंगे क्योंकि हमें बॉडी से एम्प्लॉय का डेटा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम बॉडी से डेटा फेच सेंड कर रहे हैं यहाँ से, ये बॉडी का डेटा, ठीक है। बॉडी का डेटा जब भी हम सेंड करेंगे तो बॉडी से लेंगे, और जब हम पैरामीटर ऊपर यूआरएल से सेंड कर रहे हैं तो परम से लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट परम, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा एम्प्लॉय का डेटा है इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको सर्वर को फिर से रिस्टार्ट करता हूँ, अगर नॉर्मल वर्क करता मेरे पे तो ये नहीं करना पड़ता, कुछ एरर आ रही है उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं पोस्ट, और यहाँ पे आईडी की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ राजा सिंह, और यहाँ पे थ्री, ठीक है। अब मैं करता हूँ एंटर, एरर आ गई यहाँ पे, ओके। इस तरह का कोई हमारे पास है नहीं, ये देखिए हटाना पड़ेगा, राउट मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए इन अफेक्टेड रोज वन आ गया है, इंसर्टेड आईडी आ गया है, हमारे पास इंसर्टेड आईडी आ गया फोर। तो फोर अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो फोर रो जो है मेरी, अगर मैं गेट पे जाऊं तो इंसर्टेड आना चाहिए, देखते हैं आता है नहीं आता है। नल, नेम भी नल आ रहा है और सैलरी भी नल आ रही है, नेम और सैलरी भी हमारी नल आ रही है, तो हमें ईएमपी डेटा शायद इसमें होगी, हम अपना डेटा बना लेते हैं, किस तरह का हम डेटा यहाँ पे सेंड करेंगे शायद वहां से जैसा ना आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ईएमपी डॉट नेम और ईएमपी डॉट सैलरी इस तरह से एक एरे में भेजना पड़ेगा, इसलिए ये एरर आ रही है नल नल, ठीक है। यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ सर्वर को, और जो मेरा फोर था फोर यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, नल नल के लिए इसको लिया मैंने, ये देखिए अफेक्टेड डिलीट हो गया। अब मैं फिर से जाता हूँ पुश पे जाता हूँ, पोस्ट पे, ठीक है। अब मैं फिर से इंसर्ट करूंगा इसको, इसको हटाना पड़ेगा वरना मैच नहीं करेगा, देखिए अब फिर से मेरा इंसर्टेड हो गया है, और इंसर्टेड आईडी 5 आई है, 5, और गेट लगाया, देखिए अब आ गई आईडी 5, नेम राजा सिंह एंड सैलरी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इंसर्ट। अब हमारा आता है कि हम अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है हमारा पैच, पैच पैच क्या करता है, अगर मुझे मेरे पास अभी देखिए मेरे पास नेम है सैलरी है, अगर मुझे सिर्फ सैलरी अपडेट करना है या सिर्फ नेम ही अपडेट करना है, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, पैच का यूज करूंगा। और अगर मुझे सारी डिटेल अपडेट करनी, नेम भी करना है सैलरी भी करना है, ठीक है, और मान लीजिए 40-50 फील्ड और होते हैं वो भी अपडेट करना है, तो मैं उसके लिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पुट का यूज करूंगा। अगर सारी डिटेल उसमें क्या, पुट में क्या होता है कि अगर मेरे डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है डेटाबेस में तो मैं सारी बॉडी में मान लीजिए सारी डिटेल भेजता हूं तो वो इंसर्ट भी कर देता है उस केस में, ठीक।
तो इसमें क्या और पैच क्या होता है कि अगर हम एक दो फील्ड ही मान लीजिए 50 फील्ड है हमारे किसी भी यूजर के एम्प्लॉय के, और हम एक एक या दो फील्ड या 5 फील्ड अपडेट करना चाहते हैं, तो वो हमारी लाइट वेट रिक्वेस्ट भी लाइट वेट होगी। अगर हम 50 के 50 फील्ड भेजेंगे तो हैवी लाइट वेट हैवी रिक्वेस्ट हो जाएगी हमारी। तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है पैच, और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस होता है पोस्ट और यहाँ पे पुट और पैच में। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर अपडेट की हमें क्वेरी लगानी पड़ेगी। तो अपडेट की क्वेरी में हम क्या करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय सेट वेयर आईडी। ठीक है, तो इस आईडी को अब हम यहां पे प्लस करके ईएमपी डॉट आईडी इस तरह से लगा देंगे, और यहां पे जो हमें भेजना है अब हम इसमें इस तरह से भेजेंगे। ठीक है, ये अपडेट का है, पैच पे जाएगा और यहां पे अपडेट करेंगे। अब हम जाते हैं अपडेट, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे जो डेटा आएगा, ये डेटा ईएमपी का, ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, और बिहर में यहाँ पे आईडी लगा दिए। ठीक है, अब मैं जाता हूं यहाँ पे और यहाँ पे पैच मैंने लिया, और पैच में जो मेरा राजा सिंह ID 5 थी, अब इसे बाजा सिंह कर दिया मैंने, बाजा सिंह। अब मैं इस पे इसको हटा देता हूँ, ये मैच नहीं करेगा वरना। हाँ, एम्प्लॉय है। अब देखिए मैं इसको सेंड करता हूँ, कोई एरर आ गई है। एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स ईएमपी बॉडी ओके, रिस्टार्ट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि रिस्टार्ट नहीं किया था, तो देखिए बार बार रिस्टार्ट करना पड़ रहा है। उसके कह रहा है कि पैच कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो रिस्टार्ट सर्वर करना पड़ेगा मुझे। कब जब भी मैं फाइल में चेंज करूंगा तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे नोड को, वरना नोडबोन यूज करना पड़ेगा, और नोडबोन दे रहा है एरर यहाँ पे। तो मैं फिर से इसको सेंड करता हूँ। ठीक है, अब यहां पर कुछ एरर, अननोन एरर, अनडिफाइंड इन वेयर क्लोज। ओके, आईडी जो हमारी आ रही है यहां से, हमें आईडी भी भेजनी पड़ेगी ना अपडेट के केस में, तो आईडी भी भेजनी पड़ेगी। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जाता हूँ, सर्वर को रिस्टार्ट कर लिया मैंने फिर से। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे दी अफेक्टेड रोज 1 आ गई है, अफेक्टेड आ गई है। अब हम ID 5 से चेक कर लेते हैं कि राजा को बाजा हुआ या नहीं हुआ, राजा का बाजा हुआ नहीं हुआ। ये देखिए बाजा सिंह हो गया, राजा का बाजा सिंह, ये अपडेट हो गया। अभी हम देखिए, एक डिटेल हमने भेजी है, सारी भी भेज देंगे तो भी अपडेट हो जाएगा क्योंकि हमने इस तरह की हैंडलिंग नहीं की है जो भी डिटेल आ रही है। ठीक, अब हम चलते हैं पुट पे। पुट पे हम क्या करते हैं, अब हम इसको लेते हैं, अपडेट करना है, और अगर नहीं हुआ तो हम उसको पुट एम्प्लॉय, बिल्कुल ऐसे ही अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, अफेक्टेड रोज इक्वल टू 0। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे कोई आईडी हम भेजते हैं ऐसी कि वो आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, मान लो 6 अभी आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, और एल्स में करती है तो हम सीधा सीधा यहाँ पे रेस्पॉन्स दिखा देंगे। ठीक है, तो
तो इस केस में हमें यहाँ पे पुट के केस में एक इंसर्ट क्वेरी और चलानी पड़ेगी कि गेट है डिलीट के बाद शायद हमने हाँ यहाँ पे इंसर्ट किया था और तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इंसर्ट क्वेरी का ये हो गया, ठीक है, इम्प्लॉय सैलरी ये नई रो हमारी इंसर्ट कर देगा। रिस्टार्ट कर लेते हैं सर्वर को, रिस्टार्ट हो गया। इसमें देखिए पुट में क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम अगर आईडी हमारी मिल जाएगी तो अपडेट कर देगा, और अगर आईडी हमारी नहीं मिलेगी तो वो नया इंसर्ट कर देगा। तो आइए चलते देखते हैं यहाँ पे, तो मैं ये 5 की जगह आईडी कर देता हूँ 6, 6 तो एग्जिस्ट नहीं करती है, और बाधा की जगह साझा साझा कर देता हूँ, ठीक है, साझा सिंह, और इसको चेंज कर देता हूँ पुट। ये मैंने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया, कुछ एरर भी आ गई है, पुट कैन नॉट, ओके, ये देखिए मैच नहीं कर रहा, बार बार ये मिस हो जाता है, ठीक है। यूआरएल पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूआरएल यहाँ पे देखिए मैच नहीं कर रहा है, जो मेरा सिर्फ यहाँ पे कोई आईडी नहीं था पीछे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से सेंड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए इंसर्टेड रो आ गया यहाँ पे, इंसर्टेड रो, ठीक है, 6। अब 6 पे देख लेते हैं, ये अपडेट नहीं किया है इसने, और हमने पुट मेथड यूज किया है, तो अपडेट करना चाहिए था पुट मेथड में, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आईडी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारा नया इंसर्ट कर देगा 6। ओके, इसको चेंज करना पड़ेगा गेट में, ये देखिए साझा सिंह, ठीक। और 5th में मैं आपको दिखा दूं तो बाजा सिंह भी होगा यहाँ पे, यस, ठीक है। तो ये था बेसिक एपीआई हम नोड में कैसे बना सकते हैं MySQL से। अभी इसमें ये तो एक बिल्कुल बेसिक था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक इसका, कि कनेक्ट किया DB से, ना इसमें कोई वैलिडेशन है कि नेम जो है वो मेरा एम्प्टी ना हो, कोई फील्ड मेरा अगर वहां से नहीं भेज रहा हूँ तो वो ना आए, इस तरह का वैलिडेशन नहीं, फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं है कि कंट्रोलर कैसे होगा और फिर मॉडल्स कैसे होंगे, ठीक है, मॉडल्स में डेटाबेस की जो हम क्वेरी एक ही फाइल में लिख दे रहे हैं ये वहां से होगी, डेटा हमारा कंट्रोलर पे आएगा, ठीक है। सिक्वलाइज ORM का यूज करते हैं कि जो डेटा हमारा SQL इंजेक्शन के लिए कोई डेटा हमारा भेज रहा है, ऐसे कोई ब्रेक कर दे हमारे डेटाबेस को, ठीक है, हैक कर ले हमारे डेटाबेस को, तो इस तरह की चीजों के लिए SQL, तो हमें काफी चीज इसमें अभी करने की जरूरत है, और वो हम करेंगे। अब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे इसके बाद से, कुछ ही टाइम में हम वो सीरीज स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन मैं दिखाऊंगा किस तरह से कंपनीज में काम होता है, और उसे करने के बाद API बनाने के बाद आप उससे रिएक्ट से और उन API को एंगुलर से आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप परफेक्ट हो जाएंगे एपीआई बनाने में Node.js में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक स्ट्रक्चर वे में एपीआई बनाऊं, और आपको चाहिए वो एपीआई का पूरा ट्यूटोरियल चाहिए कि आपको फाइनली वही पढ़ें और आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए और आपका एप्लीकेशन भी बना सकें, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर आप कॉमेंट करेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी ये सीरीज ले आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।